अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एलएलयू पार्ट टू का लीगल सिस्टम का टॉपिक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देखें। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इज डिफाइंड द आर्टिकल 7-77। आर्टिकल 7-77 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिफाइन है, ठीक है, लॉ मेकिंग की, ठीक है। और एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द बोथ हाउसेज एक्सपायर, बोथ हाउसेज के ऊपर दोनों डिपेंडेंट हैं, दोनों हाउसेज का इक्वल पावर्स हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, फॉर एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। मनी बिल के लिए नेशनल असम्बली जो है उसको, वो उसको ज़्यादा पावर इंजॉय करती है। सबसे पहला स्टेप जो होता है लॉ मेकिंग का, वो है द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल टेक अ स्केच एंड सजेशन एंड डिमांड्स एंड इट विल नोन एज अ बिल, ठीक है। कोई भी डिमांड, कोई भी जो सजेशन होंगी उन पर एक स्केच ड्रा किया जाएगा, ठीक है। उस स्केच को हम लोग बिल कहते हैं। बिल इज ड्राफ्टेड फॉर लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के लिए बिल ड्राफ्ट किया जाता है। स्पीकर वाज इन्फॉर्म ऑफ द बिल, स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है और नेक्स्ट डे जो है ना स्पीकर उस पर काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग, इन फर्स्ट रीडिंग द लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइटल ऑफ द बिल इज रीड। सो लॉन्ग शॉर्ट टाइटल मतलब नॉर्मली बिल को डील रीड किया जाता है। मेंबर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, येस और नो, मतलब कबूल करना है या नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है दोनों सब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान, तो जो स्पीकर होता है वो डिसीजन लेगा कि इसको करना है या नहीं। अगर सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई अमेंडमेंट नीडेड होती है तो उसको बिल को ड्राफ्टेड किया जाता है दोबारा, ठीक है। इफ नो अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड बिल पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग में जो टाइपिंग मिस्टेक वगैरह होती है उनको करेक्ट किया जाता है, जो नॉर्मल मिस्टेक्स होती है उनको देखा जाता है। अगर कोई अमेंडमेंट उसमें नहीं, इस टाइम पे अमेंडमेंट नहीं होती, ठीक है, फिर बिल को सेकंड हाउस सेंड किया जाता है, ठीक है। बिल इज सेंड टू द सेकंड हाउस फॉर द अमेंडमेंट, अगर उसमें वहाँ पर कोई अमेंडमेंट होगी तो फिर फर्स्ट हाउस के पास दोबारा बिल को, अगर वहाँ कोई वो कोई अमेंडमेंट लाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा फर्स्ट हाउस को दिया जाएगा कि वो अमेंडमेंट करेगा। दोनों जो सेकंड हाउस है वो रिजेक्ट कर देता है बिल को, तो फिर ज्वाइंट सेशन होगा दोनों जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं उनका। तो फाइनल स्टेप होगा बिल को प्रेसिडेंट के पास सेंड किया जाएगा, ठीक है। अगर इट इज नेसेसरी प्रेसिडेंट साइन करेगा, और अगर उसको साइन को प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो उसको वीटो भी कर सकता है। साइन करने के बाद जो बिल होगा वो बन जाएगा, लॉ बन जाएगा और उस बाइंडिंग होगा सारी स्टेट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।